हर रूम की अपनी एक पर्सनल जकूजी है। देयर इज दिस ह्यूज स्विमिंग पूल। यार तुम लोग भी तो नहीं थे ना जब मैं केक कट करी थी। इतना रो क्यों रही हो? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं गोवा, और गोवा ऐसे रोड से हम चलते चलते जा रहे हैं बिकॉज हमें ना ट्रेन मिल रही है ना फ्लाइट मिल रही है। यहाँ से एयरपोर्ट जाने तक के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, ये सब अंजू के कारण। तो हम जा रहे हैं गोवा। एंड इट इज सिमरन बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिमरन। तो आप सोच रहे हो पहले से मेरा बर्थडे रोड पे बनाया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे को रोड से चला के भी लेके जाएंगे। नहीं, एक्चुअली हमारी फ्लाइट 4:25 की और अभी 2:30 बजे। रुको बाबा रुको, मौका मिलेगा तुम लोग को भी बोलने का, बाद में बोलूंगी रुको। गाइस ये तो ऐसा लग रहा है लोग बिग बॉस से हकाल दिया, ये लोग लायक नहीं थे बिग बॉस के। सब लोग बोरिया बिस्तर बांध के घर जा रहे हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है गाइस, हम बहुत लेट थे बट यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कोई आया ही नहीं। जैसे कि आपको पता है हमारी 4:30 बजे की फ्लाइट थी, तो हम लोग रात भर सो ही रही थी। तो यहाँ पर आने के बाद हम सब लोग ने रेस्ट किया, सो गए। अब मैं आपको विला का टूर कराती हूँ। एंड ये विला इट्स समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। यूजुअली विलास कैसे होते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर विला, लिविंग एरिया, बेडरूम, सब ऐसे ऊपर नीचे, बट ये वैसा नहीं है। इसमें कैसा है, इसमें लिविंग एरिया अलग है और 5 बेडरूम्स है अलग अलग, बट इट्स वेरी ह्यूज। लाइक अगर आप देखोगे 300 मीटर्स तक ये हॉल और बेडरूम पूरा कवर होता है। तो यू हैव इनाफ स्पेस, आप कहीं भी बैठ सकते हो, बहुत सारी स्पेस है। यू हैव अ योगा स्पेस ऑल्सो। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ। यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है, यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में टीवी है, काउच है और एक कॉमन बाथरूम है। आ जाओ आगे जाते ही ऊपर लिविंग एरिया के ऊपर हमारे पास टेरेस है, बहुत बड़ा है ये टेरेस है। यहाँ से आप ना टॉप व्यू का ग्रीनरी वगैरह सब देख सकते हो। आ जाओ नीचे आते ही हमारे पास राइट साइड में सबसे पहला रूम है। इसकी क्या खासियत है, ऐसा नहीं है कि यू नो एक ही जकूजी है या ऐसा कुछ है। हर रूम की अपनी एक पर्सनल जकूजी है और हर रूम में ऑफकोर्स एक बाथरूम भी है। तो एक रूम आपको दिखा देती हूँ। सिमरन सब सो रहे थे, हैप्पी बर्थडे सिमरन। ओके, एंड हर रूम में बालकनी भी है। तो ये है पहले रूम की बालकनी। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। दूसरा रूम पहले रूम के एकदम सामने है, तो फटाक से क्रॉस करते हैं। यहाँ भी एक जकूजी। ओके, सब एक्चुअली सो रहे हैं यहाँ पे। ये रूम में अयान और सत्तू सो रहे हैं। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे टीवी है, एंड यहाँ पे ये बालकनी बहुत ही अलग है, यहाँ से आप कूद भी सकते हैं। गाइस प्लीज गेट अप, अयान उठ जाओ प्लीज। ओके, बाहर आते ही हेलो। ओके, ये योगा का सेक्शन है, यहाँ पे हम योगा कर सकते हैं। ये भी एक सीटिंग एरिया है। फिर राइट साइड में हमारा तीसरा रूम है, विच इज रूबी। सो आई थिंक ये पूरा रूबी थीम है। मैं और नैन्सी यहाँ पर सो रहे थे। लाइट्स। ओके एक्चुअली हम लोग सो रहे थे तो बिगड़ गए, नहीं तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। पिंक थीम वाला रूम लग रहा था। ये यहाँ की बालकनी है एंड यहाँ पे भी जकूजी है, अगर हमें चाहिए हम इसको हटा के क्लीन करवा के। एक्चुअली क्लीन नहीं, ऊपर से पत्ते वगैरह गिरते, खाली वो हटाना रहेगा।
एंड देन फिर हम आगे चलेंगे एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे और दो रूम है, 4 और 5। तो ये है जैमरिन। ओके, यहाँ पे कोई नहीं सो रहा था तो इट इज वेरी नीट एंड क्लीन। ये बेड है, यहाँ पे भी एक बालकनी है एंड देन सामने है हमारा लास्ट रूम विच इज द पर्ल रूम। कोई सो रहा है अंदर। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी जगह है, वेयर इज द स्विमिंग पूल? तो उसी के पास लेके जा रही हूँ। देयर इज दिस ह्यूज स्विमिंग पूल एरिया हियर एंड स्विमिंग पूल एरिया के पास भी एक सीटिंग एरिया है यहाँ पे। देयर द विला एंड्स, उससे आगे एक्सेस नहीं है, जाने को हो भी सकता है बट हम क्या करेंगे जाके। तो ये था पूरा विला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, घूम घूम के ऐसा हो गया था। स्विमिंग पूल कब जाएंगे? स्विमिंग पूल में सब चलेंगे शाम को, अभी पहले सिमरन का बर्थडे का तैयारी। गाइस आप लोग को भी बताया नहीं ना क्या किया है हमने, समथिंग वेरी यूनिक। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एरिया भी है, हमारे पास माता की मूर्ति है एंड मतलब सब कुछ है यहाँ पे। अरे घंटी भी है, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। ये विला की डिटेल्स मैंने कैप्शन में दिए हैं इफ यू विजिट गोवा। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये विला लोकेटेड कहाँ है, एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में है और कलंगूट बीच से 5 मिनट की दूरी पर है ये विला। तो बहुत ही इजी है और आई थिंक हमारा सरप्राइज भी कलंगूट बीच पे ही हमने मैनेज किया है। गाइस आप लोग के हाउस से बहुत आवाज आ रहा है, कैमरे में देख के बात करो। हाय गाइस, गाइस मैं मेरी बहुत ही सुंदर सी वीडियो अभी जस्ट पोस्ट की है, यू आर अ पिक्चर आई पोस्ट फॉर यू नाउ। तो अभी हम उठ गए हैं और यहाँ हम लोग मेन्यू से ऑर्डर करके मंगा रहे हैं बिकॉज अभी बना, यहाँ पे किचन भी है, जो हम बोले वो बना भी सकते हैं। यहाँ पे कुक वगैरह सब चीज की फैसिलिटी है लेकिन वो बनाने में हो सकता है 2 घंटा लगे बिकॉज प्रॉपर मील बनाना है। तो फिलहाल हम ऑर्डर करते हैं, रात का डिनर हम बनवाएंगे। हमारा खाना आ गया है, अब हम खा रहे खाना। वी हैव सो मच वैरायटी। हम यहाँ पर ये वुडन हाउस तैयार कर रहे हैं, बलून से हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं ताकि हम सिमरन का केक कट कर सके। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग कैसे दोस्त हैं, कैसे बहने हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग विला बुक कर दिया, हम लोग सब अपने एंजॉयमेंट के लिए और ये क्या है थोड़ा सा बलून वगैरह लगा के सिमरन का नहीं, ऐसा नहीं है गाइज, उसके लिए बहुत ही यूनिक सरप्राइज हमने प्लान किया है। ये तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि ठीक, उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं आइडिया है कि कुछ और भी हो सकता है क्योंकि पूरा दिन हम लोग घर पे ही बैठे एकदम आराम से। हाँ ठीक है, तो उसको भी ऐसा लग रहा है ठीक है ये लोग यही कहीं सजाएंगे, केक काटेंगे, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसको भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये सिर्फ उसको दिखाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि मतलब हाँ थोड़ा बहुत बर्थडे तेरा कर रहे हैं हम लोग ऐसा। तो यस ये थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, तब तक हम जाके रेडी होते हैं। पर देखो मैंने उसी दिन बोला था आरुष मेरे बर्थडे के लिए मेरे को ये येलो ब्लैक नहीं चाहिए, मैंने यहाँ बैठेगी तो ये येलो ब्लैक चाहिए, छोड़ो ना अगले बर्थडे में गंदा। ठीक है गाइस, तो ये सिमरन का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो सॉरी बहन, बट हम लोग साथ में बहुत सारा पार्टी करके एंजॉय करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाइनेस, हैप्पी बर्थडे। सब लोग विला में हैं और मैं और अयान यहाँ पर कौन सा बीच है, कलंगूट बीच पे आए हुए हैं और एक्चुअली ये डेकोरेशन लाइट वगैरह सब बंद है, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है वो यहाँ पर है नहीं बिकॉज हमने 6:30 को डेकोरेट करने बोला था बट बहुत लेट हो गया है। हाँ तो वो आ गए हैं भैया, ये पूरा गंदा हो गया है, प्लीज हमारी बर्थडे गर्ल अभी तक आई नहीं है, क्लियर कर दो। वो लोग आ रहे हैं 15-20 मिनट में, अभी वो रोज पेटल्स पूरा डाल के अच्छे से, और भैया मेरे को दे दो। तेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाएगा आई प्रॉमिस, तू मुंह छोटा मत कर साइड में, तो मेरा तुझसे वादा है तेरा बर्थडे बहुत अच्छा जाएगा। तुझे गुस्से में ना रोना आ रहा है अभी। अरे रोना क्यों आ रहा है, कोई भी नहीं है यहाँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं।
सिर्फ सिमरन दो जन नहीं है वहाँ, यहाँ पे वो लोग कुछ करने गए। यार तुम लोग भी तो नहीं थे ना जब मैं केक कट करी थी, इतना चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। कब केक कट कट किया? केक कट करना तो मुझे पता ही नहीं चला। तैयार है हमारी अर्टिगा आ चुकी है और हम निकल रहे हैं गोवा वाले बीच पे। हाँ रो क्यों रही हो? दूसरी बार रो रही है, पहले भी रोई वहां पे। पहले सरप्राइज नहीं रखा किसी ने, तुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो सिमरन को बहुत अच्छा लगा सरप्राइज, वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई। दिस इज योर बुकिंग ओके एंड सिमरन दीदी स्माइल। यार ये किसने करवाया? अनु वी आर लकी टू सी यू। प्लीज बी हियर टू सेलिब्रेट। मैं तो कह रहा हूं गॉड ब्लेस यू, वी हैव अ होल गुड टाइम। सो नाइस इवन वी आर गोना ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम देयर। योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड सर्कल हैज ऑर्गेनाइज्ड। तो मुस्कान दी आंटी को वीडियो कॉल करके दिखा रही हैं। अंजू अच्छा नहीं।